सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। आइंदा माह से नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला किया गया है। आइंदा माह से नए हाउसिंग पाकिस्तान मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताएगा किन शहरों से मंसूबे का आगाज़ होगा? जी, ये सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत 25 लाख घरों की तमीर के हवाले से नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का इजलास हुआ है। इस इजलास में इस अमर का फैसला किया गया है कि लाहौर, फैसलाबाद समेत जो दीगर सियालकोट और चनोट हैं, वहाँ पर भी अगले माह अप्रैल से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आगाज़ कर दिया जाएगा। और वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो वजीर आज़म इमरान खान हैं, उनसे जो तामीराती उनके हाथ से इफ्तिताह करवाया जाएगा। इस इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वजीर हाउसिंग का कहना था कि पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी दीगर शहरों में भी अराजी के हसूल की कार्रवाई तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करे। इसके अलावा इस मनसूबे को मजीद तकवीत देने के लिए स्कीम में प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए और इनके लिए मुतलका कवानीन में तरामीम की जो तैयारी है उस पर भी अमल किया जाए। इजलास से खिताब करते हुए मियां महमूद रशीद का यह भी कहना था कि दीगर शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट के आगाज के लिए लिक्विडेशन बोर्ड से अराजी के हसूल के लिए कोशिशें तेज की जा चुकी हैं, जबकि जो दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी इस सिलसिले में जो मरासले हैं वो लिख दिए गए हैं कि वो अपने इजला में जो सरकारी अराजी इस वक्त मुख्तलिफ खितों में मौजूद है उसकी निशानदेही करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनुल आबिदीन।